मध्य प्रदेश में सभी 230 सीटों के चुनावी नतीजे सामने आ गए हैं। कांग्रेस यहां 114 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि 15 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी के खाते में 109 सीटें आई हैं। वहीं मायावती की बहुजन समाज पार्टी को 2, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को 1 और 4 निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव में जीत हासिल हुई है। बुधवार सुबह 8:30 बजे तक सभी 230 सीटों के परिणाम आ गए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपनी परंपरागत सीट बुधनी से 58,999 मतों के अंतर से जीत हासिल की है। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव को हराया। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने इस बार एकजुट होकर चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात का समय मांगा है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मध्य प्रदेश के सभी किसानों को 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ करने एवं उनकी विभिन्न उपजों पर बोनस देने का ऐलान किया था। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने भोपाल में कांग्रेस पार्टी दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और दावा किया था कि उनकी पार्टी राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा था कि नतीजों के बाद एमपी की जनता विकास की अलग यात्रा पर होगी। मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ और पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं।